हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस लॉन्ग गाउन को बनाना। आप देख ही सकती हैं मैंने ये थंबनेल लगा दिया है। ये बनने के बाद में इस टाइप का होगा, और जिसके लिए हमने 3 मीटर ब्रॉकेट का कपड़ा लिया है। सबसे पहले इसमें से टॉप पार्ट के लिए हम कपड़ा अलग कर लेंगे। तो 14 का हम तैयार रखेंगे, तो 15 इंच पर हम लंबाई लेके और इस कपड़े को इसमें से अलग कर देंगे। 4 तह में रखा है कपड़ा, ये देखिए, ये 3 मीटर कपड़ा है। 3 मीटर ही मैंने इसके लिए ये ब्रॉकेट का कपड़ा लिया है, और 3 मीटर ही हमने इसके लिए अस्तर लिया है। और सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम इसको कट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हम सिलाई के लिए ले रहे हैं, तो इसको सीधा कट कर लेते हैं। अब ब्रॉकेट की जगह कोई भी कपड़ा ले सकती हो। अब इसमें से थोड़ा सा कपड़ा बचाएंगे हम, आगे जो गले में हम डिजाइन देंगे उसके लिए बचा देंगे, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा यूज़ में नहीं आएगा। हमारी जितनी भी ब्रेस्ट होती है उसमें हमें 2 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना होता है। जैसे 36 हुई तो 36 का चौथा आता है 9 इंच, तो 9 में आप 2 इंच और ऐड कर लीजिए तो हो गया 11 इंच। तो उस तरीके से आपकी छाती अगर 40 है तो 40 को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 10 आएगा, 10 में और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए तो हो गया 12 इंच। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको कितना कपड़ा लेना है। अब यहाँ से मैंने 7 इंच पर शोल्डर ले लिया है, 7 इंच पर ही मैं आर्म होल ले रही हूँ, यानी कि मुड्ढे और यानी कि कंधा। अब सेम ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जैसे 9 पे मेरी फिटिंग होगी तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 11 इंच हो गया। कमर का भी चौथा हिस्सा, इसमें सिर्फ 2 ही निशान लगते हैं टॉप पार्ट में, एक तो अपनी ब्रेस्ट का और एक अपनी कमर का। तो यहाँ से कमर का भी चौथा हिस्सा, उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो हो गया 9 इंच, तो 7 पे होगी फिटिंग। तो यहाँ से आप 2 की जगह आप 1.5 भी ले सकती हो, ज़रूरी नहीं आप 2 लो। तो अगर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो 2 इंच ले लीजिए। अब यहाँ से 1.5 इंच पे पीछे वाले पार्ट के लिए गोलाई दे देंगे। अब कटिंग कर देंगे, जैसे जैसे ड्राफ्टिंग कर रखी है ऐसे ही कटिंग कर देंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुज कुमार स्टिचिंग ट्यूटोरियल के नाम से, और मेरा फेसबुक पेज भी अनुज कुमार स्टिचिंग ट्यूटोरियल के नाम से है। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकती हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालती हूँ। अब ये हो गए हमारे पास 2 पार्ट, क्योंकि हमने कपड़े को रखा था 4 तह में। अगर हम कपड़े को सिर्फ 2 तह में रखेंगे तो हमें कितने पार्ट मिलेंगे, हमको मिलेगा सिर्फ 1 पार्ट। आप तह का मतलब तो समझती हो कि तह का मतलब होता है 4 तह 2 तह। अभी आप देख सकती है ये 2 तह में है कपड़ा। अभी मैं इसका एक कोना उठाऊंगी, ये देखिए, पहले मैंने कपड़े को बराबर किया और इस तरीके से इसको लेके तिकोना कर दूंगी, ऐसे। आ गया समझ में? अगर आपको डायरेक्ट दिक्कत आए तो आप कोई दुपट्टा रख के देखिए, दुपट्टे से प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पे पेस्टी प्रैक्टिस कीजिए, या फिर साड़ी पे कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही आप इसको बनाइए। अब जो टॉप पार्ट कट किया था उसको रख देंगे कमर वाले हिस्से के पास, और यहाँ से अपना मार्जिन ले लेंगे। अगर आप मार्जिन पूरे मेजरमेंट के हिसाब से लेना चाहती हैं तो आपकी जितनी भी कमर है उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। अब यहाँ से मेजर करना सबसे ज़रूरी होता है। जैसे हमारा आ रहा है यहाँ से, कितना आ रहा है ये देखिए आप, यहाँ से ये टोटल आ रहा है हमारा 12.5 इंच पे। तो ये पूरा जो सर्कल है ये पूरा 12.5 इंच पे ही होना चाहिए, ठीक है। अभी हमें इसके बाद लंबाई लेनी होती, फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 12.5 पे पूरा आ रहा है हमारा। कटिंग थोड़ी ऊपर से ही होगी, क्योंकि जहाँ पे 12.5 आ रहा है यहाँ से होगी, जहाँ पे 12.5 आ रहा है वहाँ से होगी कटिंग, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी है आपको करना। अब देख लेते हैं लंबाई। तो जैसे 55 इंच का गाउन तैयार होगा, उसमें हम 1 इंच ऐड करके टोटल हम यहाँ से, जैसे मैंने ले लिया है 41 इंच पे, ठीक है। 40 का मुझे ये चाहिए और 1 इंच ऐड कर लिया है मैंने, क्योंकि मैं इसमें मोड़ने के लिए अलग से पट्टी का यूज़ करूँगी। अगर आप इसी के अंदर मोड़ने के लिए भी रखना चाहती हैं तो आपको 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मेरा मोड़ने का बिल्कुल अलग है, सिर्फ मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं यहाँ से टोटल 41 इंच पे पूरे में निशान लगाऊंगी, और इन निशानों को लगा के फिर एक दूसरे से टच करना है, ये देखिए ऐसे। और इन निशानों को जितने अच्छे से आप बराबर करके लगाओगी उतना ही जो आपका गाउन है वो एकदम गोल सर्कल में आएगा। अगर आप इनमें थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे, ऐसे ही अंदाजे से लगाओगे, तो वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। अब देखिए मैंने अब ऐसे ही देखिए इसको कट कर लिया है, ये देखिए
जैसे ड्राफ्टिंग की थी उसी के ऊपर सीजर चला के, यानी कि कैंची चला के बस कट कर दिया है मैंने उसको। ये देखिए इसको हटा देते हैं और अभी इस पार्ट को हम खोलेंगे नहीं। अब इसको भी पहले दो तह में बिछाया, फिर ऐसे तिकोना कर दिया ऐसे करके, और फिर क्या करेंगे अपना अस्तर वाला कपड़ा इसके ऊपर रख लेंगे। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे मुझे इसके बराबर ये कट करना है, ठीक है, तो इसको तो मुझे मोड़ना होगा अस्तर को। आप समझिएगा, यहाँ से अस्तर को मैं मोड़ूंगी, मैंने इसलिए बराबर लिया है, तो मैं इसको दो दो इंच मोड़ूंगी अस्तर को। और मुझे जो मेरा नॉर्मल ये फैब्रिक है इसको मुझे बिल्कुल भी नहीं मोड़ना, तो मुझे इसी के बराबर इसको कट करना है, क्योंकि ये तो ऊंचा हो जाएगा अस्तर और ये इतना ही रहेगा, तो इसीलिए आप बराबर ही कट कर दें। और बिल्कुल इसी के बराबर रख के हम कटिंग कर रहे हैं इसकी। ये देखिए हो गया हमारा अलग बिल्कुल। अब हमारे पास ये टोटल चार पार्ट आ गए, दो तो आ गए हमारे ये वाले और दो आ गए हमारे ये वाले। अब सबसे पहले ये हमने सीधी साइड ले ली है और एक सीधी पट्टी कट कर ली है। अब इस पट्टी को हम रख के ऐसे लगाएंगे, ये देखिए। और मैंने कोई तिरछी पट्टी नहीं कट की है, जो मेरा अस्तर में से कपड़ा बचा था उसकी मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। और अब इस 3 इंच को पूरे घेरे में लगा रही हूँ, सीधी साइड को रखा है मैंने पट्टी को, और अब मैं इसको उल्टी साइड को मोड़ दूँगी, ये देखिए ऐसे। तो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका घेरा बनता है। अगर आप इस पट्टी की चौड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं तो आप इसको 5 या 6 इंच तक भी बढ़ा सकती हैं। जैसे लहंगे में थोड़ा सा बढ़ा के लगाते हैं कपड़ा तो लुक अच्छा आता है, तो इसी तरीके से अभी देखिए मैंने पूरी पट्टी को लगा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए सीधी साइड से भी ना ही झोल है ना ही कुछ है। दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही तैयार करेंगे। अब इसका जो अस्तर था उसको हमें पहले 1 इंच मोड़ना है सिंपली, फिर इसको दोबारा से 1 इंच और मोड़ना है, तो ये 2 इंच कम हो जाएगा हमारे नॉर्मल फैब्रिक से। अब देखिए इसको 1 इंच और मोड़ देंगे तो हो गया हमारा ये कितना, 2 इंच कम, और हमारा जो अब ब्रॉकेट का कपड़ा है वो उतना ही है जितना हमारा था। अभी देखिए दोनों मुड़ गए हैं, ये भी बहुत अच्छे से मुड़ा है। अब दोनों को रख के ऐसे इसको मैंने उल्टी साइड को सीधा करके रखा है मेन फैब्रिक को। अब इसका हम ये जो ब्लाउज ऊपर का टॉप पार्ट है इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से पहले 4 इंच चौड़ाई लेंगे बॉटनेक की, 4.5 इंच लंबाई लेके एक बॉक्स बना के और इसमें ऐसे शेप दे देंगे बॉटनेक की, और इसको कट नहीं करेंगे हम, ऐसे रख के इसको एक बार और पलट के हाथ से थपथपा के दोनों निशान ऐसे एक दूसरे से ला के। और ये हमने अस्तर इसका डिफरेंट कट किया है क्योंकि वो थोड़ा मोटा था, वो भी टाफेटा का कपड़ा था। अब इसको उल्टा करके रखना है हमें, ठीक है, उल्टा करके रखना है अस्तर को, अस्तर के ऊपर मेन कपड़े को, ताकि जब पलटें तो सीधी साइड निकल के आए। ध्यान रखें उल्टा करके रखना है अस्तर के ऊपर अपने जो आपका मेन कपड़ा है, मेन कपड़े का मतलब जो आपका कपड़ा ऊपर आएगा। अब इसको मैंने ऐसे हटा के और पलट के इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब ये पट्टी ली है, पट्टी की लंबाई मैंने 12 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, और इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है थोड़ी, जिससे टाइट हो जाए। अब आधा इंच ऊपर से मोड़ देंगे इसको। ये लेस का यूज़ करूँगी इसमें मैं, जितनी भी इसमें 6-7 लेयर आएंगी लेस की मैं उतनी ही लगा दूँगी। लेस की जगह आप इसमें कोई भी मोती बटन यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने लगा ली है। अब मैं इसको ऐसे दोनों साइड से आधा आधा इंच और मोड़ दूँगी। जहाँ पे भी ये हमारे मिरर आए हुए हैं उनको हम हटा देंगे क्योंकि उनकी वजह से हमारी सुई टूट सकती है। अब इनका सेंटर कर लेंगे हम, इसको 20 सेंटर में लगाएंगे। तो इसको ऐसे रख के हम यहाँ से और इसके चारों साइड को हम सिलाई लगाएंगे। तो इस पे पहले हम गोटा पट्टी लगाएंगे क्योंकि खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो गोटा पट्टी लगा के ही हम इसको करेंगे, ये वाली गोटा पट्टी। तो दोनों साइड को और ऊपर भी मैं लगा के इसको पूरा कंप्लीट तैयार कर लूँगी। और पीछे का जो गला होगा उसमें भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे, मतलब कि वैसे तो बॉट नेक ही होगा उसमें भी, लेकिन उसमें क्या करेंगे थोड़ा सा कट वर्क कर देंगे पीछे की साइड, उसको सेम हम ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब दोनों को रख के और बस कमर वाले हिस्से को आपको इसमें जोड़ देना है जो आपका गाउन का कपड़ा है। तो दोनों को अच्छे से जोड़ के हम तैयार कर लेंगे। जो पीछे का पार्ट है उसको हमने सेम ऐसे ही तैयार कर लिया है जैसे आपको ये वाला सिखाया है हमने, ये देखिए। और ये स्लीवलेस गाउन है तो ये पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से तैयार कर लिया, दोनों का शोल्डर मोड़ दिया है। ये पट्टी ले ली है 1.5 इंच चौड़ी,
पट्टी को हम सीधी साइड को रखेंगे, ठीक है। सीधी साइड को मैंने पट्टी को रखा, अब मैं इसको उल्टी साइड को मोड़ दूंगी। दोनों आर्म होल के ऊपर हमें इसे लगाना है। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी आर्म होल की भी फिनिशिंग। अभी इसमें हमें सिर्फ फिटिंग देनी बाकी है। ये दोनों साइड को हमने आर्म होल को कर लिया है तैयार, अब इसमें फिटिंग दे लेंगे। फिटिंग आपकी जितनी भी है गाउन की या फिर कुर्ती की, उस हिसाब से दे सकती हैं, नीचे से चारों पार्ट को मिला के। अभी देखिए दोनों पार्ट हमारे इतने ऊंचे हो गए इससे, ठीक है। आगे समझ में आपको दूसरी साइड से भी फिटिंग कर लेंगे। तो जो गाउन का फाइनल लुक है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी ज़रूर बनाइएगा इस गाउन को। बहुत ही ईजीली बन जाता है, टाफाटा का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आपको और भी गाउन सीखने हैं तो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगी तो उस पे भी आपको इसके पिक देखने को मिलेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा, पीछे से इस टाइप से है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर जाइए।